साबूदाना एक ऐसी फलहारी चीज है जो व्रत में सबसे ज्यादा बनाई जाती है। साबूदाने से बने खिचड़ी, खीर, वड़ा, नमकीन, पापड़ जैसी चीजें व्रत के वक्त बहुत पसंद की जाती है। साबूदाना व्रत के वक्त खाना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। भारतीय लोग व्रत में 40 के दशक से साबूदाना का उपयोग करते आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं सबसे शुद्ध माना जाने वाला साबूदाना बनता कैसा है? इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? क्या यह अनाज से बनता है या कोई और चीज से? इन सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखते हैं साबूदाना कैसे बनता है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। साबूदाना किसी अनाज से नहीं बनता है, बल्कि ये सागो पाम नाम के ताने के पल्प से बनाया जाता है। सागो ताड़ की तरह एक पेड़ होता है जो कि ओरिजिनली अफ्रीका का पेड़ है। इस पेड़ का ताना यानी स्टेम मोटा हो जाता है, तब इसके बीच के हिस्से को पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद इस पाउडर को छान कर गर्म किया जाता है जिससे दाने बन सके। साबूदाना बनाने के लिए सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल लगता है और वो है टापियोका रूट। इस रूट को कसावा नाम से भी जाना जाता है। भारत में साबूदाना टापियोका स्टार्च से बनाया जाता है। साबूदाना बनाने के लिए एक ही रॉ मटेरियल यूज होते हैं, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे उसके नाम अलग अलग है। उसी तरह ब्राजील में साबूदाना को टापियोका पर्ल्स कहते हैं। अब देखते हैं साबूदाना बनाने की प्रोसेस क्या है। भारत में साबूदाना टापियोका स्टार्च से बनाया जाता है। सबसे पहले कसावा के कांड निकाल के धोए जाते हैं। उसके बाद पल्प को निकालने के बाद बर्तन में निकाल कर 8 से 10 दिन तक रखे जाते हैं और रोजाना उसमें पानी डाला जाता है। ये प्रक्रिया 4 से 6 महीने तक बार बार दोहराया जाता है। 4 से 6 महीने बाद जो पल्प बनता है उसे निकाल कर मशीन में डालते हैं। उस पल्प से साबूदाना के छोटे छोटे दाने प्राप्त होते हैं। फिर साबूदाना को सुखाकर ग्लूकोज और स्टार्च से बने पाउडर की पॉलिश की जाती है। इस कारण से साबूदाने के दाने मोती की तरह सफेद दिखते हैं। तो ये थी साबूदाना बनाने की प्रोसेस। भारत में तमिलनाडु के सालेम सिटी में सबसे ज्यादा टापियोका स्टार्च का प्रोसेसिंग किया जाता है। सालेम सिटी में प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हैं। साबूदाना उत्पादन करने की क्रिया बहुत ही छोटी पैमाने पे शुरू हुई थी, लेकिन साबूदाना डाइजेस्ट होने में हल्का और पौष्टिक होने के कारण उपवास में खाया जाता है। इसीलिए भारत के लोगों को उपवास के वक्त साबूदाना खाना पसंद होता है। अगर साबूदाना से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।